आप इतना गुस्से से क्यों बात कर रहे हो? हम आराम से ही बात कर सकते हो ना? आप इतना आराम से क्या आराम से? तुम नहीं जाती कि इसी की वजह से मैंने तुमसे शादी की है, इसी ने मुझे कन्विंस किया कि मैं तुमसे शादी करूं। ये हमेशा से ऐसा ही करती आई है, सिर्फ आज के बारे में सोचती है, कल की कोई परवाह ही नहीं है इसे। अभी भी यही कर रही है, ये अपने ट्रिक से मेरी लाइफ में और टेंशन बढ़ा रही है। और तुम चाहती हो कि मैं कुछ नहीं करूँ? बहुत मेहनत से मेरा अपना एक नाम कमाया है और मैं किसी दूसरे को मेरा नाम बर्बाद करने नहीं दूंगा। अरे क्यों शाबाश रवि, आ गए तुम रोल एक्शन। क्या आराम से? ये हमेशा ऐसा ही करती है, तुम नहीं चाहती लेकिन लेकिन इसी ने मुझे ये शादी करने के लिए। क्या आराम से? ये हमेशा ऐसा ही करती है, तुम नहीं चाहती लेकिन तुमसे शादी करने के लिए इसी ने मुझे फोर्स किया। ये हमेशा ऐसा ही करती है, तुम नहीं चाहती लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता था, इसी ने मुझे शादी करने के लिए फोर्स किया। मैंने कहा था इसे कि ऐसा करने से चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी लेकिन इसने मेरी बात नहीं मानी। मैंने इसे ये भी कहा था कि मैं इस रिश्ते से नहीं निकल पाऊंगा लेकिन मेरी बात सुनती कहा। इसे सिर्फ आज की पड़ी है, कल की कोई परवाह नहीं है इसे। और अभी भी ये मेरे साथ यही कर रही है, अपनी घटिया ट्रिक करके ना मेरी लाइफ की कॉम्प्लिकेशन बढ़ा रही है। और तुम कह रही हो कि मैं चुपचाप बैठ कर देखता हूँ? बहुत मेहनत से मैंने अपना ये नाम और वेल सीन में ये होता है कि जो तनु है वो मुझे कुछ बताने की कोशिश कर रही है लेकिन मैं उनकी बातों पर विश्वास नहीं करता, तो कुछ सबूत मांगता हूँ मैं जो करने से जो देने से मना करती है, तो उस बात पर मैं थोड़ा नाराज़ हो जाता हूँ उसे। तनु ने एक झूठी फिर से चाल चली है कि अभी का बच्चा मेरे पेट में, तो ये कहाँ से सच्चाई इस बात? पता नहीं, ये तनु से ही पता चलेगा कि बच्चा मेरा है किसी और का है, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है मेरे ख्याल से ऐसा कुछ तो हुआ नहीं था। तो अभी आशीर्वाद से तो नहीं हो गया? प्रज्ञा काफ़ी परेशान है देखिए इस बात में, तो अभी कितना समझा रही प्रज्ञा को? अभी फिलहाल तो उसे अपना कन्फ्यूजन दूर करने में लगा हुआ है अभी कि वो बच्चा अभी एक बार खुद की जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए तभी जाके वो प्रज्ञा को समझाएंगे कि जो बच्चा मेरा है या फिर नहीं है। अभी तो वो बाद वाला स्टेज है, अभी तो ये वाला पड़ाव जो है तनु का वो ही पार नहीं हो रहा है। बस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कुमकुम भाग्य, कीप वॉचिंग आवर शो, कीप लविंग अस द वे यू हैव बीन, एंड वी प्रॉमिस वील वर्क हार्ड एंड डिलीवर एवरी टाइम। थैंक यू। तनु तो अभी फ़िलहाल कोई चाल नहीं चल रही, वो सीरियस है, वो सच में प्रेग्नेंट है, पर बेचारी इतनी पहले इतने नाटक कर चुकी है तो अभी उस पर कोई भरोसा नहीं कर रहा, यहाँ तक कि अभी भी भरोसा नहीं कर रहा कि मैं सच में प्रेग्नेंट हूँ। तो वही सारा झगड़ा चल रहा है और मैं बहुत गुस्सा हूँ कि अभी मुझसे प्रूफ मांग रहा है कि मैं सच में प्रेग्नेंट हूँ या नहीं। प्रूफ मैं प्रज्ञा को दे चुकी हूँ कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, पर मुझे इस बात से गुस्सा रहा है कि अभी क्यों मांग रहा है, अभी को मुझ पर भरोसा क्यों नहीं। तो अभी यही तो बोले जा रहे हैं कि प्रज्ञा को पता नहीं है कि तनु चाहती क्या है। नहीं, प्रज्ञा को पता है, प्रज्ञा मेरे साथ चली थी डॉक्टर के पास, उसने टेस्ट करवाया था और पॉजिटिव आया था टेस्ट। तो मैं वही समझा रही हूँ कि प्रज्ञा ने टेस्ट करवाया है, ये पॉजिटिव है, मैं सच में प्रेग्नेंट हूँ, पर अभी मानने को तैयार ही नहीं है। लेकिन अभी का कहीं ना कहीं कहना है कि बच्चा मेरा नहीं है। नहीं, ये तो नहीं कहना है उसका फिलहाल,
फिलहाल वो यही कह रहा है कि तुम प्रेग्नेंट नहीं हो, मैं नाटक कर रही हूँ, वैसा उसका कहना है। चलिए लास्ट अपने फैंस से कुछ कहें। कुछ नहीं, कुमकुम भाग्य देखते रहिए और बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले हैं। ZTV पर 9 PM। थैंक यू।